क्या हाल है सबका? ठीक है, अल्लाह पाक साहब को अपनी हिफाजत में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लोग चावल की खीर तैयार करेंगे, जो नहायत ही मज़ेदार और एक बेहतरीन डिश है, जिसको सब भी बेहद बेहद पसंद करते हैं। और इसमें मैंने 1 किलो दूध लिया है, आधा कप चावल, 1 कप चीनी, 2 चम्मच बादाम, 2 चम्मच पिस्ता और 2 चम्मच अखरोट, 4 अदद ग्रीन इलायची है। आइए हम इसको बनाते हैं, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। सबसे पहले हम दूध ऐड करेंगे, साथ ही हम चावल भी ऐड कर देंगे। बस इसको बस हलाते रहना ताकि ये नीचे ना लगे, आराम से बस इसको पकाते रहना हल्की आंच पे। मिनट हो गया हमें अब इसको पकाते हुए, तो अभी चावल गल गए हुए हैं, बस अब थोड़ा मिक्स हो जाए, फिर इसमें हम लोग चीनी वगैरह ऐड करेंगे। यहाँ पे अब हम चीनी डालेंगे, और साथ ही ग्रीन इलायची डालेंगे, और 5-10 मिनट और पका के फिर हम लोग सर्व कर देंगे। थोड़े थोड़े पहले ये डाल लेते हैं, थोड़े बादाम पिस्ता, बाकी क्या हम गार्निश के लिए रख लेते हैं। ये अखरोट है, माशाल्लाह हमारी खीर अब बहुत अच्छी तैयार हो रही है, तो अब हम इसको सर्व करते हैं। चूल्हे को बंद कर देते हैं, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है, बहुत ही मज़ेदार बनी है, लाजमी ट्राई कीजिएगा। इसके ऊपर ये बादाम ऐसे डाल देते हैं, साथ ही अखरोट भी डाल देंगे। आपको पसंद आए तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, दुआ में शामिल रखिएगा। कल इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ आपके साथ मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।